नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर एस वर्मा और आज के वीडियो में दोस्तों हम सियाटिका के बारे में पूरी जानकारी देंगे और दोस्तों मैं सियाटिका की बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा। दोस्तों सियाटिका की प्रॉब्लम आजकल देखा जाता है कि हर परिवार में लगभग किसी न किसी को इस तरह की समस्या पाई जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सियाटिका के ऊपर बात करेंगे और इसी की बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। दोस्तों इस होम्योपैथिक मेडिसिन को लगभग 15 से 20 दिन या एक महीना अच्छे से अगर आप यूज़ करते हैं, बताए गए डोज के अनुसार यूज़ करते हैं, आपको सियाटिका की समस्या से बहुत जल्द राहत मिलने लगता है। तो दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो इस तरह की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान या उनका कोई जानने पहचानने वाला इस तरह की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं डॉक्टर आर एस वर्मा और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आयुष होम्योपैथिक क्लिनिक गोंडा के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सियाटिका की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को आजकल मिलता है। सियाटिका से परेशान कई लोग हमारे क्लिनिक पे भी अक्सर विजिट करते रहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, स्पाइनल स्टेनोसिस होने के कारण सियाटिका वाली नर्व जो होती है जो हमारे बैक से लेकर के लेग्स तक पहुंचती है उसमें कहीं ना कहीं समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। दोस्तों तो स्पाइनल स्टेनोसिस मतलब ये कंप्रेस पार्ट ऑफ द नर्व जो बन जाता है वहाँ पर, जिसके कारण दोस्तों हमें सियाटिका की प्रॉब्लम आ जाती है। तो बैक में सियाटिका नर्व होती है जो लेग तक रन करती है। दोस्तों उसमें समस्या आ जाती है जिसके कारण पेन बना रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पैरों में टिंगलिंग बनी रहती है और नंबनेस भी आ जाता है। दोस्तों तो मैं आज इसी की बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा और इस होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर बताए गए डोज के अनुसार यूज करते हैं तो बहुत जल्द आपको आराम मिलना चालू हो जाता है। दोस्तों सियाटिका की वजह से पैरों में बहुत ज़्यादा टिंगलिंग होने लगती है, सूजन भी आ जाता है और यहाँ तक कि नंबनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर आपका पैर एकदम सुन्न पड़ जाता है। दोस्तों ये वन साइडेड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका जो दर्द होता है रेडिएटिंग पेन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ रेडिएट करता रहता है। दोस्तों जिनको सियाटिका की समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा डिसकंफर्ट फील कर रहे होते हैं। तो दोस्तों उस पैर में बर्निंग सेंसेशन भी मिल सकता है और दोस्तों प्रोलॉन्ग सिटिंग के बाद अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो उस अफेक्टेड पैर में बहुत ज़्यादा एग्रावेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपकी कंप्लेन बढ़ने लगती है, जिसके कारण दोस्तों आपके पैर में टिंगलिंग भी बन सकता है, नंबनेस भी आ सकती है और दर्द भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह की समस्या को सही करने के लिए आज मैं बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। दोस्तों केवल आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से दो दवाइयाँ खरीदना है। दोस्तों मैं इसका पिक्चर इधर लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों जिसमें पहली मेडिसिन है कोलोसिन 200 पावर में लेना है। इस मेडिसिन को दोस्तों लेकर के इस मेडिसिन को सुबह दोपहर शाम आधे कप गर्म पानी में दोस्तों 5 बूंद, हल्का ल्यूक वार्म वाटर हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, 5 बूंद उसी में इसको डाल लेना है। दोस्तों और जिस तरह से हम चाय पीते हैं सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको लेते रहना है। दोस्तों यह मेडिसिन बहुत तेज़ रिकवरी करता है सियाटिका की प्रॉब्लम में और बहुत जल्द आपको आराम मिलना चालू हो जाता है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर यह दवा आसानी से मिल जाती है। अगर आपके आसपास में कोई क्लिनिक है तो वहाँ भी ये दवा आराम से आपको मिल जाती है। आइए दोस्तों मैं दूसरी मेडिसिन के बारे में बात कर लेता हूँ। दूसरी मेडिसिन दोस्तों जो आपको लेना है मैग्नीशिया फास्ट 12x में लेना है। दोस्तों ये बायोकेमिक मेडिसिन है, टेबलेट फॉर्म में आती है। इस मेडिसिन को दोस्तों आपको 4 गोली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस मेडिसिन को भी लेना है। तो दोस्तों आप पहली वाली मेडिसिन जो आपका कोलोसिन है चाहे तो आप खाली पेट ले लीजिए और इस मेडिसिन को उसके 10 मिनट बाद में आप 3 टाइम लेते रहिए। दोस्तों बहुत तेज़ काम करता है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इन दोनों मेडिसिन को दोस्तों आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आपके पास में कोई क्लिनिक है तो वहाँ से भी इस दवा को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो सियाटिका के बारे में था और इसके बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में था। तो दोस्तों बताए गए मेडिसिन को आप उसके बताए गए डोज के अनुसार यूज कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। दोस्तों मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहूँगा, दोस्तों आप लोग वीडियो देखने में खो जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों बगल में एक लाइक का बटन दे रहा होगा, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा। दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके दोस्तों हमारा सपोर्ट करते रहेगा और इसी तरह का नॉलेजबल वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपके बेल आइकन प्रेस करने से दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट बॉक्स में जा करके दोस्तों अगर आप किसी प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसी प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया, कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट्स का रिप्लाई मैं बहुत जल्द करता हूँ। तो आप किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं, किसी डिजीज़ की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके दोस्तों हमें कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, कचरा ना फैलाए, पॉलीथीन का उपयोग ना कीजिए, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।